वेलकम बैक फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। सो यार आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 फ्लूइड मैकेनिक्स। ओके सो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आज के इस लेक्चर में। साथ में मिलके स्टार्ट कर लेते हैं अपना ऑसम सा ये दिन। ये सुबह मतलब सुबह की ये जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं ओके सो एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टार्टिंग कर रहे हैं और आज बात करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2 जैसे मैंने आपको बताया फ्लूइड मैकेनिक्स का। देखो बेसिक लेक्चर कहीं ना कहीं प्रेशर वाला आपने अच्छे से सीख लिया होगा, उसके कॉन्सेप्ट आप बेसिक जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो कहीं ना कहीं आपने अपनी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कर ली होगी। ऑब्वियसली आज उसका एक और अच्छे लेवल पे जाके हम एप्लीकेशन करने वाले हैं जहां से क्वेश्चंस आने के काफी चांस होते हैं ऑब्वियसली, है ना। तो उसका एप्लीकेशन एक अच्छे लेवल पे हम कैसे कर सकते हैं वो सारी डिस्कशन आज करूंगा और उससे क्वेश्चन आने के चांस काफी होते हैं दोस्तों, तो आपकी काफी हेल्प मिलेगी। तो लेक्चर नंबर 2 में प्रेशर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा, जब फ्लूइड हमारा रेस्ट पे रहता है वो सारी चीजें हमने देख ली है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। मैंने लिखा है बॉस यहाँ पे प्रेशर फॉर एक्सेलरेशन लिक्विड, है ना। अगर हमारा लिक्विड किसी भी तरीके से एक्सेलरेट कर रहा है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा, किसी लीनियर एक्सेलरेशन के साथ, या फिर वो रोटेट भी कर सकता है ना, रोटेट भी तो कर सकता है वो, ठीक है, एंगुलर यू नो वेलोसिटी के साथ रोटेट भी तो कर सकता है। तो ये सारे जो केसेस होते हैं ना इंपॉर्टेंट टाइप के, कि जो एक्सेलरेट करता है अगर लिक्विड, तो उसका जो प्रेशर डिफरेंस है, प्रेशर वेरिएशन है, वो हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका यूज कैसे कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये सारी बातें आज करने वाले हैं। ओके सो उम्मीद करता हूं आपको आपसे मैं कि आप बढ़िया से एकदम नाश्ता वास्ता करके बैठे होंगे यार। ओके सो नाश्ता वास्ता मेरी चूंकि रिकॉर्डिंग सुबह की टाइमिंग है तो मेरे को लग रहा है आप भी सुबह के टाइम पे ही एकदम रेडी रेडी बैठो, बट ऐसा नहीं है, मेरे को नहीं पता आप इस लेक्चर को किस समय देख रहे होंगे। ओके सो अकॉर्डिंगली आप एनर्जी लेके बैठे मस्त तरीके से नोट्स बनाने के लिए तैयार रहे, माइंड को ओपन अप करें कंसेप्ट को सीखने के लिए। स्टार्ट करते हैं अपनी आज सुनहरी सी सुबह में एक बेहतरीन सी शुरुआत के साथ। ओके सो देखो जो बेसिक कंसेप्ट है जल्दी से याद दिला देता हूं, वो मैंने आपको बता दिया था, और आज की जो कहानी है वो एक्सेलरेटिंग की है। आपका जो लिक्विड है वो एक्सेलरेट करता है ना, जब वो एक्सेलरेट करता है लिक्विड तो फिर प्रेशर किस तरीके से हम प्रेशर का जो वेरिएशन है उसको किस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यार देखो हमें एक चीज तो हमें पहले से ही पता है कि एक कंटेनर हमारे पास होता था, एक वेसल होता था, उसमें लिक्विड होता था। यस सर बिल्कुल है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सारे डिटेल एनालिसिस आपने इसके बारे में ऑलरेडी कर रखी है। ओके सो ये रेस्ट पे है सर बिल्कुल, अगर इसके जस्ट ये ओपन टू एटमोस्फियर है तो इसके जस्ट अपर पॉइंट पे मैं बात करता था तो जो प्रेशर है, चूंकि उसके ऊपर पानी नहीं है जस्ट एटमोस्फियर है, तो इस पॉइंट ए पे जो प्रेशर होगा वो तो बिल्कुल एटमोस्फेरिक ही होगा, है एटमोस्फेरिक प्रेशर होगा केवल। लेकिन उसके पानी के अंदर अगर आप कहीं भी जाएंगे यहाँ पे इस पॉइंट पे अगर आप बात करेंगे तो कितने अंदर आप पानी में जा रहे हो, डेप्थ क्या है, तो उस पे जो प्रेशर होगा नेट जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा वो एटमोस्फेरिक तो ऊपर से लग ही रहा है, प्लस इस क्वांटिटी ऑफ वाटर की वजह से भी होगा जो उस पॉइंट के ऊपर है। तो बी पॉइंट पे जो आप प्रेशर लिखते थे पी ए जो एटमोस्फेयर की वजह से, प्लस ये जो लिक्विड है उसके जो कितनी डेप्थ में वो लिक्विड है ना उसकी क्वांटिटी है उसकी वजह से भी तो लेंगे रो जी एच, ये नेट प्रेशर इस तरीके से हम निकालते थे। फिर अगर डिफरेंस हमें निकालना होता था जो जो गेज प्रेशर होता है एक तरीके से, तो वो लिखेंगे पी बी माइनस पी ए, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो बचेगा रो जी एच। ऑब्वियसली यार अंडर द ग्रेविटी है ना, ग्रेविटी तो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर ही रही है ऑब्वियसली, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो एक तरीके से उस पॉइंट के ऊपर जितना भी वेट है लिक्विड का उसकी वजह से जो प्रेशर है, है उसकी हम बात कर रहे हैं प्रेशर डिफरेंस। ओके सो कूल, लेकिन वो बात कर रहा है यार सर कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, कहानी में एंट्री होने वाले कुछ विलन्स की, और विलन्स है यहाँ पे अगर हमारा ये फ्लूइड रेस्ट पे नहीं है, ये एक्सेलरेट कर रहा है किसी भी वजह से, तब प्रेशर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। तो कहानी में विलन की एंट्री हो चुकी है, ठीक है, लड़ने के लिए तैयार बैठो, लड़ने के लिए तैयार रहो, है ना। सो कम ऑन माइंड को अपने समझा लो कि लड़ना है बॉस अब कंसेप्ट के साथ। तो देखो केस नंबर 1, अगर हम देखो केस वाइज डील करेंगे, बहुत ज्यादा लंदी ये नहीं होने वाला है, कंसेप्ट सीखने के बाद एक क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेशन मस्त तरीके से करना आ जाएगा। ओके सो मस्त तरीके से जितने भी कंसेप्ट आज के इस लेक्चर में आप होने वाले हैं वो मोस्ट ऑसम कॉन्सेप्ट माने जाते हैं, जिनसे क्वेश्चन आने के काफी काफी एंड काफी चांस रहते हैं, ठीक है, तो अच्छे से सीखने का बॉस, ठीक है। ओके कूल, तो ओके हद कर दी आपने, नहीं मैंने तो नहीं करी हद, तो हद कर दी आपने केस नंबर वन की बात करते हैं। क्या है सर, अगर दोस्तों ये कंटेनर एज इट इज आपने लिया, ठीक है सर, और इसमें पानी रेस्ट पे ही है, लेकिन आप ना एक्सेलरेटिंग लिक्विड का मतलब है जिस वेसल में आपने ये पानी रखा है रेस्ट पर, ओके जिस वेसल में रखा है आप इसी को मूव करा रहे हो, उसी को एक्सेलरेट करा रहे हो, समझ रहे हो आप, इसी को एक्सेलरेट, तो आप
पहले हम बात करें केस नंबर वन इन वर्टिकल डायरेक्शन। अगर हम बात कर रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा रहे हो, सपोज करो वर्टिकल डायरेक्शन में, आपको बिल्कुल उस तरीके से बताऊंगा कि क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सा केस होने वाला है, उसमें आप क्या फंडा अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, सो ये वर्टिकल है, ठीक है सर, कूल। अब वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है कि इसको एक्सेलरेट करा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सपोज करो ये एक्सेलरेट करता हुआ नीचे को जा रहा है विद एक्सेलरेशन ए। इसका कुछ एक्सेलरेशन है, इस पूरे सिस्टम का पूरे इसका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेट कर रहा है नीचे को जा रहा है एक्सेलरेट करते हुए। अब ये रेस्ट पे नहीं है, अब ये एक्सेलरेट कर रहा है पूरा सिस्टम। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, अब क्या करेंगे बॉस? तो बॉस इसमें हम क्या करेंगे, देखो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे यही वाला है ना, एब्सोल्यूट प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब ये रेस्ट पे था दोस्तों, मैं इसको पूरा सॉल्व करके आपको नहीं बताऊंगा, आपको कंसेप्ट की बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे सिखाऊंगा कि आप तुरंत समझ जाओगे, आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, देखो जब ये रेस्ट पे था तो जो डेल्टा पी मैंने लिखा वो आया रो जी H, चूंकि इसका खुद का एक्सेलरेशन नहीं है, खुद का एक्सेलरेशन इसका जीरो है। अभी ये रेस्ट पे है, सिस्टम पूरा पूरा कंटेनर, आपकी बकेट है, आपकी पानी की टंकी है, व्हाटएवर, वो एकदम रेस्ट पे रखी है। लेकिन अगर वो तेजी से भागते हुए नीचे गिर जाए, सपोज करो आपकी छत पे एक टंकी रखी है पानी की, और वो ऊपर से आप उसको है नीचे उसको एक्सेलरेट कराने लगो, उसको नीचे आप खींचने लगो, एक्सेलरेट कराने लगो किसी एक्सेलरेशन के साथ, ठीक है, तो इसके पास अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो ये जो जी होता है ना, अभी तो वहां केवल अकेला एक ही एक्सेलरेशन काम कर रहा था, ग्रेविटी का एक्सेलरेशन। लेकिन आपने एडिशनल उसको एक सिस्टम को एक्सेलरेशन और दे दिया जिसके थ्रू आप उसको एक्सेलरेट करा रहे हो। तो ये जो जी होता है ना, इसकी इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं, मतलब उसका रिजल्टेंट वैल्यू लेते हैं। फिर जब भी कभी ये सिस्टम डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा तो जी माइनस ए, तब ये लेंगे जी की जगह। तो जब भी आप इसका प्रेशर डिफरेंस निकालेंगे तो आप लिखेंगे रो एच इंटू जी इफेक्टिव, रो जी एच मतलब जी फैक्टू लेना है। तो जी फैक्टू क्या लेना है, जब भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन होगा, यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर मोशन हो रहा है, डाउनवर्ड मोशन अगर वो कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए, तो जी माइनस ए, दिस इज द जी फैक्टू, यही आएगा। आप इसमें इसका एबीडी बनाएंगे, उसके थ्रू आप अप्लाई करेंगे कंसेप्ट, तो यही आएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो डेल्टा पी जो आपको नजर आएगा वो आएगा रो जी इफेक्टिव, यानी एच लिख लो पहले, तो जी माइनस ए ये लिख के आना है फिर। और ये डेल्टा पी का क्या मतलब है, डेल्टा पी का क्या मतलब है, क्योंकि ऊपर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी काम कर रहा होगा, किसी भी पॉइंट पे आप निकालेंगे तो आप कैसे निकलते थे, एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको आप ऐसे लिखेंगे रो जी, यानी जी माइनस ए इंटू एच, तब ऐसे आपने लिखना है। समझ गए लॉजिक, सिंपल है, मतलब व्हेनेवर दिस कंटेनर, दिस वेसल इज यू नो एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, जब भी वो डाउनवर्ड की बात करेगा, जी फैक्टिव की वैल्यू पे आप फोकस करें, आपका टाइम बचेगा, टेंशन नहीं लेने का, और आप जी माइनस ए करके आ सकते हैं बढ़िया तरीके से। ठीक है, जी माइनस ए, ठीक है, और उसको यहाँ पे पटक देंगे, हो जाएगी बात। अब देखो आप खुद ही समझ गए होंगे कि यार सर अगर ये ऊपर को एक्सेलरेट करेगा तो केस नंबर टू ले लो, व्हेन है एक्सेलरेटिंग, When accelerating upward, अगर ये ऊपर को जा रहा है with some acceleration A, तो देखो ये कंटेनर है आपका, ठीक है सर, ठीक है बॉस, ठीक है बॉस, ओके बॉस, तो ये अप डायरेक्शन में जा रहा है किसी एक्सेलरेशन ए के साथ, या तो हमें निकालना है प्रेशर का डिफरेंस, प्रेशर का डिफरेंस मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, अदरवाइज आप इसको भी लिख सकते हो, अगर वो एब्सोल्यूट प्रेशर किसी पॉइंट पे आपको चाहिए, कहीं पे भी चाहिए होगा किसी पॉइंट पे, यहाँ पे मान लिया, या इसकी बॉटम पे चाहिए होगा, तो पी को आप लिख ही लेंगे, इसको परे लेके जाएंगे तो पी ए आ जाएगा प्लस रो जी माइनस ए इनटू एच, तब इससे निकालना है अपने एब्सोल्यूट प्रेशर, इतना तो आप समझ ही जाएंगे यार। तो यहां पे डेल्टा पी कितना आएगा, यहां पे जब वो रेस्ट पे था तो रो जी एच है, तो रो जी एच है, तो जी फैक्टिव लेना है, और जी फैक्टिव इस केस में चूंकि अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा था, जी फैक्टिव होता है दोस्तों जी प्लस ए, सिंपल है। व्हेनेवर दिस फ्लूइड कंटेनर यू नो एक्सेलरेटिंग अप, मूविंग अप है ना विद सम एक्सेलरेशन, ओके, सो यहां पे आपने लेना है जी माइनस, सॉरी जी प्लस ए, ओके, ग्रेविटी नीचे है, उसके अपोजिट ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो डेल्टा पी को आप कैसे लिखेंगे सर, डेल्टा पी को हम लिख देंगे सर रो एच इंटू जी प्लस ए, और अगर एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है किसके अंदर, किसी भी पॉइंट पे, क्योंकि ऊपर से तो एटमोस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, तो उसके अंदर किसी भी डेप्थ पे, एच पे है, सपोज करो यहां पर निकाल रहे हैं आप एच डेप्थ पे, तो आप लिखेंगे पी और माइनस पी ए होता है ये, तो रो एच इंटू जी प्लस ए बॉस, तो पी को आप लिखेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे तो पी ए प्लस रो एच इंटू जी प्लस ए,
दिस इज योर एब्सोल्यूट प्रेशर एट दैट पॉइंट इन द एक्सेलरेटिंग फ्लूइड. ओके, सो जब वो एक्सेलरेट कर रहा होगा आप इस पर ध्यान दें. सबसे मेन बात है दोस्तों जी फैक्टू याद रखें, पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, दैट्स वाई आपको कंसेप्चुअली रिजल्ट पे भी ध्यान देना है, उसके कंसेप्ट पे भी ध्यान देना है कि क्या चल रहा है. न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग आप इसको बना सकते हो, एबडी बना के अगर पूरा का पूरा सॉल्व करना है तो काई को करना, काई को टाइम वेस्ट करना. ओके, तो ये याद रखेंगे आप. है तो जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तो जी फैक्टिव जी माइनस ए, अपवर्ड मोशन कर रहा है जी फैक्टिव जी प्लस ए. महाराज यही चीज करना है, है जी, समझ गए होंगे लॉजिक. ये था वर्टिकल डायरेक्शन में जब मोशन हो गया तो ऊपर जाएगा दोस्तों या नीचे जाएगा दोस्तों. तो ये याद रखना दोस्तों, मजा आने वाला है. और अब बढ़ेंगे हम, केस नंबर वन हो गया, केस नंबर टू हो गया, अब चलते हैं केस नंबर थ्री के पास. अगर ये फ्लूइड कंटेनर या जो भी वेसल है ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूवमेंट ना करके, मोशन ना करके हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा होगा. हाई, समझ में आ गया? हाई, तो कैसे सर? देखेंगे, अभी देखेंगे ना, बढ़िया तरीके से देखेंगे, है कि नहीं. ओके दोस्तों, देखते हैं अब नेक्स्ट केस क्या है. होप सो आप समझ गए होंगे वर्टिकल डायरेक्शन में जो प्रेशर का जो वेरिएशन आ रहा है अकॉर्डिंग टू इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, जो वो एक्सेलरेट कर रहा है इन वर्टिकल डायरेक्शन, तो आप समझ गए होंगे जी फैक्टिव पे फोकस आपने करना है, मस्त तरीके से फिर मजा डालना है. ठीक है, सो कम ऑन, अब हम बात कर रहे हैं व्हेन लिक्विड एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली. अगर वो हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन में, सर मतलब कैसे, सर कैसे एक्सेलरेट कर रहा होगा? जैसे कोई गाड़ी है और वो पानी का टैंकर, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, पानी गाड़ी है जो पानी कैरी करके जा रही है, वाटर कैरी करके जा रही है, पानी का टैंकर एक तरीके से आप मान लो, आपके मोहल्ले में, आपके सिटी में, आपके गांव में पानी खत्म हो गया, तो वो आपके आपके मोहल्ले में आ रही है वो गाड़ी, है ना, एक्सेलरेट करके वो आ रही है, तो उसमें जो पानी है वो उछलता रहता है एक तरीके से. कैसे उछलता है, क्या सिचुएशन होती है इसके अंदर, वो सब देखना है. अगर गाड़ी रेस्ट पे खड़ी है तो भाई वो रेस्ट पे है, लेकिन गाड़ी जब एक्सेलरेट करती हुई जा रही होगी, है ना, वो जो टैंकर एक्सेलरेट करता हो जा, तो उसके अंदर जो पानी है वो हिल रहा होगा ना, क्योंकि वो मूव कर रहा है सिस्टम, जिसमें पानी वो मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है. ठीक है, कांस्टेंटली नहीं जा रहा है, समझना. तो उसने बोला व्हेन लिक्विड इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली, ओके, तब क्या करेंगे? सपोज करो इस तरीके की सिचुएशन है गाइस, वाइज इस तरीके की सिचुएशन है, कंटेनर की तरह ही मान रहा हूं मैं इस तरीके से. तो ये है लिक्विड फिलहाल आपके पास, ठीक है सर. अभी अगर रेस्ट पे है तो ये इसका जो फ्री सरफेस है वो बिल्कुल ऐसा नजर आएगा, देखो आपको बिल्कुल ऐसा हॉरिजॉन्टल टाइप. अभी चूंकि ये रेस्ट पे है, एट रेस्ट, और कोई मूवमेंट ना इस पे ऊपर को हो रहा है ना इधर को हो रहा है, लेकिन अगर हम इसको एक्सेलरेट करा दें, अगर हम बोले ये एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन में इसको कोई एक्सेलरेशन दे दे, इस डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, है राइट साइड में इसको एक्सेलरेशन दिया. अब ये जो कंटेनर है पूरा का पूरा ये ऐसे एक्सेलरेट करते हुए आगे जा रहा है, ना, एक्सेलरेट करते हुए अब ये आगे जा रहा है, तो ये क्या होता है दोस्तों? ध्यान से देखेंगे आप, कूल, कैसे कैसे देखेंगे सर? तो ये देखा गया, देखो किस तरीके से, ये जो इसका फ्री सरफेस है ये अब इस तरीके से नहीं रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है इस लिक्विड पे. अगर ये इधर को एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे एक एक्सटर्नल फोर्स इधर को लग रहा है, तो इस लिक्विड के ऊपर एक तरीके से स्यूडो फोर्स एक्ट करना स्टार्ट करता है, है ना, क्योंकि ये पानी इस कंटेनर के अंदर, और कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है, तो उस पानी जो इसके अंदर है उसके ऊपर एक स्यूडो फोर्स इस एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट अपोजिट एक्ट करता है. तो ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, इसका सरफेस इस तरीके से देखना, ये इसका सरफेस ऐसा हो जाएगा इस तरीके से, ये थोड़ा ही ज्यादा मैंने इंक्लाइन कर दिया है, स्यूडो फोर्स की वजह से शिफ्ट करेगा, देखो इस तरीके से, ठीक है, और ये लिक्विड बन जाएगा आपका, है जी, ये लिक्विड बनेगा इस तरीके से, आपको देखने को ये मिलेगा, समझना आप बात को, ठीक है. तो देखो हमें पता है ये एक्सेलरेट इधर को कर रहा है, एक्सेलरेट ये इधर को कर रहा है, ठीक है, लेकिन स्यूडो फोर्स इसके ऊपर, देखो अगर मैं इसकी स्यूडो फोर्स की बात करूं, हमें पता है जी जो है बिल्कुल डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, अगर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन अगर स्यूडो फोर्स एक्ट करे तो एक फोर्स इधर एक्ट करने लगेगा, और जी आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करने लगेगा, तो नेट फोर्स इधर एक्ट करेगा, है ना, इसके एक्सेलरेशन की वजह से जो ए था स्यूडो फोर्स इधर आ गया, पी है एफ स्यूडो फोर्स, है ऐसे लिख दो आप, ठीक है, और जो जी था ग्रेविटी एक्सेलरेशन वो इधर को एक्ट कर रहा था, है ना, उसका जो वेट था, नेट जो वेट था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, ठीक है. तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो अब इस डायरेक्शन में होगा, जिसकी वजह से ये लिक्विड का सरफेस इधर को शिफ्ट हो जाएगा, तो इसलिए ये जो इसका फ्री सरफेस है लिक्विड का ये वाला इधर को देखो शिफ्ट हो गया, पहले ऐसे था ऐसे हो गया, क्योंकि नेट फोर्स इधर को लग रहा है,
समझ गए। तो जब हम एक्सलोरेशन देते हैं इसको, राइट साइड को आपने एक्सलोरेशन दिया इस डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से उसके जस्ट अपोजिट जो होता है वो स्यूडो फोर्स एक्ट करता है, ये आप सबको पता होगा है? क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली राइट साइड में एक्सलोरेट करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो इसको और अच्छे से आप एनालिसिस क्या करोगे आप, मतलब आपने बस ये ध्यान रखना है जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और वो बोल रहा है कि राइट साइड में एक्सलोरेशन दिया हमने कंटेनर को, तो जो लिक्विड का सरफेस है वो आपको ऐसा नजर आएगा, बस इतना आप ध्यान रख सकते हैं। है जी, इतना तो ध्यान रख सकते हैं बॉस, ठीक है। ये लिक्विड का प्रेशर है और इस तरीके से ये वैरी कर रहा है। अब किस तरीके से आप इसमें प्रेशर कैलकुलेट करेंगे वो सब देखेंगे। तो यहां पर अगर मैं देखूं, एक लाइन में यहां पर ड्रॉप करूं इस तरीके से, ठीक है, ये कितना अपने इस हॉरिजॉन्टल लाइन से कितना शिफ्ट कर गया, सपोज करो ये एंगल आपका देखो थीटा एंगल है कि नहीं है, और यहां पे जो जी इफेक्टिव आएगा जो पहले नीचे को एक्ट कर रहा था, तो एक स्यूडो फोर्स की वजह से इधर को फोर्स एक्ट कर रहा है इसके ऊपर, इसके ऊपर, ठीक है। और स्यूडो फोर्स हम कैसे निकालते थे, इस लिक्विड का मास और एक्सेलरेशन ऑफ दिस कंटेनर, स्यूडो फोर्स तो ऐसे ही निकालते थे हम। तो एक एक्सेलरेशन इधर एक्ट कर रहा है और जो इसका नेट वेट है वो इधर को एक्ट कर रहा है, तो इसका जो नेट फोर्स है ना, इसका जो नेट फोर्स है वो इधर को लगेगा, यानी जी इफेक्टिव की डायरेक्शन ये आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ जी इफेक्टिव। तो यहां पर भी जी इफेक्टिव आ रहा है और इसकी डायरेक्शन ये रहेगी, ये एंगल थीटा है, आप देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है बिल्कुल ये वाली, तो ये इन दोनों के बीच में एंगल ये पूरा 90 होगा, तो 90 माइनस थीटा, तो ये बचेगा आपका, दिस इज 90 माइनस थीटा, सिंपल है, क्लियर है, यस yes। ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। अब हमने क्या करना है सर, अब देखो ये जो ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, ये इस इंक्लाइंड लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इसमें और इस लाइन में 90 डिग्री का एंगल है, तो इसमें यानी ये पूरा एंगल यहां से यहां तक 90, तो इसमें से सबट्रैक्ट कर दो तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक है बॉस, ये थीटा होगा। और अगर मैं यहां से इसको मिला दूं तो देखो एक ट्रायंगल सा बन गया ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहां टेन थीटा निकालूं तो टेन थीटा आपके पास आ जाएगा, ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर ओवर दिस बेस, परपेंडिकुलर पे ये कौन सा फोर्स आ रहा है देखो, एम ए स्यूडो फोर्स ओवर बेस, ये वाला एम जी उसका जो वेट होगा, तो mg ये हो गया कैंसिल, तो ये बन गया आपका tan थीटा एंड ये आ गया a बाय g। नाउ वेरी क्लियरली यू कैन से कि उस कंटेनर का जो एक्सेलरेशन होगा, उस कंटेनर का जो भी एक्सेलरेशन होगा वो आप यहां से निकाल सकते हो, एंड दैट इज a इक्वल टू g ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा। अब इसका जो प्रेशर वेरिएशन होगा वो किस तरीके से हो रहा होगा सब आपने चेकआउट करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सबसे पहले तो आप देखो क्या है इसकी कहानी और किस तरीके से शिफ्टिंग इसमें हो रही है, जब ये एक्सेलरेट कर रहा होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो किस तरीके से इसका जो सरफेस है वो इंक्लाइंड हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, एक तरीके से चेंज हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो इसकी जो जी इफेक्टिव की वैल्यू किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है बॉस, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ, यस। अब हमने क्या करना है, इसके रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी राइट डाउन करनी है सिंपली। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया, यार सर अगर वो लेफ्ट साइड में हो रहा होता तो ये सरफेस ऐसे ना होके ऐसे शिफ्ट होता है जी, सिंपल ऐसे शिफ्ट होता, ठीक है, तो निकाल लेंगे, टेंशन मत लो, निकाल लेंगे। तो अगर एंगल निकाल लो और एक्सेलरेशन गिवन हो तो एंगल निकाल सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात है कि व्हेन द लिक्विड एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली देन हाउ वी कैन डिफाइन द प्रेशर, है ना, हमारे को प्रेशर का कॉन्सेप्ट यहां पे डिस्कशन करना था बॉस, ठीक है। सो कम ऑन नाउ सी, अब इसको यहां पर बहुत ध्यान से आपने समझना, अच्छा एक चीज तो क्लियर हो चुकी है देखो माइंड में एकदम क्लियर है, व्हाट इज दैट सर, कि इसका जो सरफेस है वो कुछ ऐसा हो चुका है, टिल्ड हो गया ना एक तरीके से, तो मैं ऐसे मान रहा हूं, तो इस तरीके से हो गया ना, ये पानी है यहां तक, ठीक है सर, ठीक है। और अब इस केस में क्या है कि अगर आप दो पॉइंट कहीं भी रैंडमली किसी भी लेवल पे आप मानेंगे वहां पे प्रेशर अब सेम नहीं होगा, ये यहां पे बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि इसका जो अपर लेवल है देखो ये अपर लेवल, ये हॉरिजॉन्टल नहीं है। अगर मैं यहां पर बात करूं इस वाले केस में बात करूंगा, ठीक है, तो यहां पे कोई पॉइंट ले रहा हूं सपोज करो, तो यहां से इसकी डेप्थ सेम होगी, और इसी के लेवल पे सेम एक पॉइंट और ले रहा हूं जैसे ए हो गया बी, इसकी भी डेप्थ सेम होगी, इन दोनों पॉइंट पे अब सेम प्रेशर है यहां पे, नो डाउट, पी ए इज इक्वल टू क्या है पी बी, सेम लेवल सेम लिक्विड, ठीक है, और इनकी डेप्थ दोनों की अपर सर्फेस से फ्री सर्फेस, लेकिन इनका जो फ्री सर्फेस है इस केस में ये तो क्या हो गया टिल्ड हो गया, ये ऊपर है ओपन टू एटमोस्फेयर, ओपन टू एटमोस्फियर, है ना, एटमोस्फेरिक कंडीशन में है ये कंटेनर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहां पे अगर आप कोई पॉइंट ले लो, एक पॉइंट सपोज करो यहां पर लो, एक पॉइंट सपोज करो आप यहां पे लो, तो देखो इसके फ्री सरफेस से यहां तक ये हाइट डिफरेंट है और यहां से यहां तक ये हाइट डिफरेंट है, अलग अलग हाइट है, यानी एच वन इज ग्रेटर देन
H2 वेरी क्लियरली यू कैन सी। अब देखो दोनों का लेवल सेम है, यहाँ पे अगर देखो नॉट लेवल, दोनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही ओरिजेंटल लाइन पे, ये भी और ये भी, लेकिन ऊपर से फ्री सरफेस से दोनों की डेप्थ अलग अलग है, इसलिए इनका जो प्रेशर है वो अब सेम नहीं होगा, अब इनका प्रेशर सेम नहीं होगा। दिस इज इंपॉर्टेंट है ना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहां कंफ्यूज नहीं होने का, समझना ध्यान से कंसेप्ट क्या है, अब कहां कहां पे किस तरह की सिचुएशन आपने अंडरस्टैंड करनी है, क्वेश्चन को इजीली कैसे क्रैक कर देना है, ये मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। कूल, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अगर अब किसी हॉरिजॉन्टल लाइन पे दो पॉइंट सेम है, से एक ही लाइन पे है, तो फ्री सरफेस से चूंकि उनकी डेप्थ अलग अलग है, प्रेशर सेम नहीं होगा, बट चूंकि इसमें इनका हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो उनकी डेप्थ सेम है, एक ही लाइन पे है दोनों पॉइंट, उनका प्रेशर सेम था, लेकिन यहां पर चूंकि टिल्ड हो गया एक तरीके से, फ्री सरफेस ऑफ द वॉटर, ठीक है। अब हाउ वी कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कम ऑन, प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करोगे, देखो ध्यान से देखो क्या करोगे, ध्यान से देखो, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये मैंने समझाने के लिए आपको बताना था, ये पॉइंट मैं हटा रहा हूं, ठीक है, अब ये मैं हटा रहा हूं, समझ गए होंगे आप लॉजिकली पॉइंट क्या है मेरे पास, ठीक है, इसको भी हटा दो, है कि नहीं, कूल। तो फिर ओके, ये हो गया आपका लिक्विड 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 लिक्विड, ओके। तो अगर मैं किसी पॉइंट पे सेम लेवल बनाने की बात करूं, सपोज करो, ठीक है, देखो यहां पर ये जो पॉइंट यहाँ है, इसके ऊपर तो पानी नहीं है, एयर है इधर तो, और ये टॉप मोस्ट पॉइंट इसका यहाँ पे है कहीं, इसको पॉइंट ए मान लो कहीं, इसको बी, और इस बी पॉइंट पे एक लाइन मैं ऐसे खींचू, और मैं ये मान लू कि ये जो कंटेनर है, यहां से इसकी जो डेप्थ है ये वाली, ये है कुछ एच, कैपिटल एच मान लो, और देखो जैसे ये टिल्ड हुआ तो इधर वाला जो पानी था यहाँ पे वो इधर शिफ्ट कर गया होगा, ये ऊपर शिफ्ट कर गया, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कुछ मान लो वाई, समझ गया। अब हर पॉइंट को आप ध्यान से ऑब्जर्वेशन में लाना, बहुत सारे पॉइंट आप ले सकते हो, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे ए लिया आपने, यहाँ पे कोई पॉइंट अगर यहाँ पे आपने निकालना है तो बी मान लो आप, सी मान लो क्योंकि बी उधर माना है आपने, तो सी मान लो आप, यहाँ कोई पॉइंट मानना है तो डी मान लो आप, यहाँ कोई पॉइंट मानना है तो ई मान लो आप। अब बिल्कुल बहुत क्लियरली ध्यान से समझने का, ठीक है, इसके अंदर कहीं भी कोई भी पॉइंट आप इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपसे पूछे ए पॉइंट में प्रेशर बताओ, ये रहा पॉइंट, तो ए पॉइंट तो इसके ऊपर पानी ही नहीं है, ऊपर तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है केवल, तो उस पर केवल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अगर ये कंटेनर क्लोज्ड नहीं है, ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो ऊपर से केवल एक ही प्रेशर यहां पे पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, दैट इज योर सिंपल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। लेकिन अगर आप वहीं पे बी पॉइंट की भी बात करोगे तो बी पॉइंट के ऊपर भी कुछ भी नहीं है, देखो बी पॉइंट के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो यहां पे भी जो भी प्रेशर एक्ट कर रहा है बी पॉइंट पे, वो भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही होगा, है क्लियरली, वेरी क्लियरली यू कैन सी। लेकिन दोस्तों अगर आप सी पॉइंट की बात करोगे तो सी पॉइंट पे जो लिक्विड है वो कितने ऊपर है, इस साइड में, जिस साइड में सी है उसी साइड में देखना है ना, वाई डिस्टेंस है, इतने डेप्थ का लिक्विड इस पे यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा, यानी सी पॉइंट पे जो प्रेशर आएगा, एक तो एटमोस्फेरिक आएगा ऊपर से, प्लस रो जी उसकी जो डेप्थ है सी पॉइंट के इस साइड में, इस साइड से है वो वाई डिस्टेंस नीचे है, देखो आप देख सकते हो, तो ये प्रेशर आएगा आपका सी पॉइंट पे, फंडा वही है सॉल्व करने का, फंडा वही है। लेकिन अगर आप पूछो ई पॉइंट पे बताओ सर, है ना, कंटेनर को आप ऐसे मान लो इस तरीके से, ठीक है, ई पॉइंट पे बताओ सर, ई पॉइंट पे यहां पे प्रेशर कितना होगा, तो यहां पे प्रेशर देखो, ई पॉइंट पे प्रेशर देखेंगे आप, तो ई पॉइंट पे जो आप प्रेशर चेक कर रहे होंगे तो इसके ऊपर कितनी हाइट तक पानी है, इधर तो पानी है ही नहीं, केवल ये है देखो ये वाला, ठीक है ये वाला, इतनी ये जो एच हाइट है ये लेनी है केवल, ये देखो ये लिक्विड की इतनी डेप्थ इसके ऊपर प्रेशर यहाँ पे अप्लाई कर रही होगी, उसके ऊपर तो एयर है, तो ई पॉइंट पे प्रेशर लिखेंगे पी ए प्लस रो जी एच, ध्यान से समझना, रो जी एच, ये वाला एच आपने लेना है। तो ये छोटे से कंसेप्ट है लेकिन इनको बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझना पड़ेगा, तभी जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चंस करने के लिए। अब देखो डी पॉइंट को देखो, यहाँ कहीं डी पॉइंट आपने माना है, तो डी पॉइंट पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो कैसे निकालेंगे, देखो डी पॉइंट को देखो ध्यान से, डी पॉइंट के ऊपर इस साइड में अगर मैं देखूं, यहां से इसकी डेप्थ देखूं, ये पूरी लेनी पड़ेगी आपको, ये पूरी डेप्थ, क्योंकि इस साइड से, इस साइड से जब आप देख रहे थे इधर तो एयर थी, ठीक है, उसके नीचे पानी था, उतनी डेप्थ का लिया आपने सी पॉइंट पे, लेकिन डी जो पॉइंट है इसके ऊपर जो है ये वाई प्लस ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस एच के इक्वल है, तो वाई प्लस एच इस पूरी डेप्थ की वजह से होगा, यानी पी ए तो हो गई होगा ओपन टू एटमोस्फेयर, प्लस रो जी एच प्लस वाई भी होगा, इस बात को आप समझे दोस्तों। और ये वाई कितना है अगर ये नहीं पता है, ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो कितने एंगल से टिल्ड कर गया था ये, थीटा था, ये एंगल थीटा था, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, मतलब ये एंगल भी कुछ थीटा ही होगा, ये आप निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर आपको इस कंटेनर की ये एक तरीके से ये वाले वेट बताओ, अगर सपोज करो कुछ है एल, ठीक है, तो ये टेन थीटा यहां से निकाल सकते हो, देखो टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो वाई बाई एल, ये यहां से आप निकाल सकते हैं वाई की वैल्यू, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है वो यहां से आपने निकाली ए बाई जी,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं tan थीटा को लिख सकते हो आप a by g is equal to आएगा y by l, तो y आ जाएगा आपका a l by g, तो unknown value जो y है उसको रिप्लेस कर सकते हो जहां पे भी y है, और वहां से आपका प्रेशर एक्यूरेटली जो भी होगा वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दिस इज द सिचुएशन, है ना, इसका सरफेस किस तरीके से टिल्ड कर रहा है, क्या क्या सिचुएशन आ रही है, किस तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, वो सारी बात मैंने आपको बता दी है, ये आपने ध्यान रखना है। और कभी कभी इस पे डायग्राम वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में राइट साइड में कंटेनर है वो आप एक्सलरेट कर रहा है, तो बताओ उसका जो सरफेस है उसका वो जो टिल्डिंग करेगा, मतलब टिल्ड करेगा, उसका जो सरफेस है चेंज करेगा अपने आप को किस डायरेक्शन में करेगा, वो भी आपने बताना है। तो अगर राइट को जा रहा है तो वो ऐसे नीचे को शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है, सिंपली। तो अगर दोस्तों ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा हुआ तो देखो कंटेनर ये है लेकिन ये इधर को जा रहा है किसी एक्सेलरेशन के साथ, तो अब आपको पता है स्यूडो फोर्स इस पे इधर को लगेगा, तो अगर इधर को स्यूडो फोर्स लगेगा तो उसका जो सरफेस है वो ऐसे ना होके ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि स्यूडो फोर्स ऐसे लगेगा, तो उसको जी इफेक्टिव की वैल्यू कहीं इधर आएगी, तो इसका सरफेस अब ऐसा हो जाएगा, ठीक है, जस्ट उसका रिवर्स। इसमें क्या था, इधर को जा रहा था तो ऐसे हो गया, इसमें क्या है, इधर को जा रहा है तो ऐसे हो जाएगा, समझ गए। तो बस ये याद रखना, अब ये इस तरीके से किसी एंगल पे शिफ्ट हो जाएगा, देखो फंडा वही रहने वाला है, ठीक है, फिर उसी के अकॉर्डिंग जिस साइड में वाटर ज्यादा होगा उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा, जिस साइड में कम होगा उसका उतना ही कम हो जाएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग वेरिएशन हो जाएगा। कंसेप्ट अगर आपका फंडामेंटली क्लियर है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिचुएशन को, ओके। सो होप सो आप समझ गए होंगे इसके कंसेप्ट को, क्या है ये कंसेप्ट। एक लास्ट केस इसमें और बचता है, अगर ये फ्लूइड एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन ये हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा था, वर्टिकली एक्सेलरेट कर रहा था, अगर वो रोटेट करने लगे, जैसे आपके घर में एक पानी की बकेट है, आप बकेट ले लो या बोतल ले लो पानी की, ठीक है, ये देखो थोड़ा सा पानी है बट इसमें पानी की बोतल, अगर इसमें रोटेट, देखो ये इसके अंदर दिख रहा होगा आपको, अगर मैं इसको रोटेट कराऊं, देखो इसकी ये जो इसकी साइड्स हैं उस पे चढ़ जाता है पानी एक तरीके से, तो वो रोटेट कर रहा है इसके अंदर, ठीक है। अगर ये हम इसको ऐसे रोटेट कर रहे हैं किसी वेलोसिटी के साथ, इसको है इसको इस किसी एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट कराए हम, मैं मतलब जस्ट एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, तो फिर उस केस में प्रेशर का वेरिएशन कैसे आप मेजर करते हैं, किस तरीके की सिचुएशन होती है, क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो लास्ट केस है, जल्दी से उसको डिस्कस कर लेता हूं। छोटी सी प्यारी सी वीडियो रहने वाली है आप लोगों के लिए, क्योंकि एक ऑसम सा डिफरेंट सा कंसेप्ट है इसका, जो हमने प्रेशर पढ़ा था उसका यूज करके जब वो एक्सेलरेट करने लगे, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये सीखने को मिल जाएगा, ओके ओके। सो जैसे मैंने आपको बोला लास्ट केस है, इंपॉर्टेंट केस है, मैंने लिख दिया यहाँ पे प्रेशर इन रोटेटिंग फ्लूइड, अगर कोई फ्लूइड आपका रोटेट कर रहा है किसी कंटेनर को, आप किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करा रहे हो, उस कंडीशन में जो प्रेशर का वेरिएशन होता है, हाउ यू कैन मेजर दैट, हाउ यू कैन कैलकुलेट दैट, हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ओके। सो कम ऑन, ध्यान से समझना है कि नहीं। तो यहां पे मेरे पास क्या है, लेट्स सी, एक मेरे पास यहाँ पे कंटेनर है, ओके सर, और हमने देखो ये इनिशियली वैसे ही मानना जैसे रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे जैसे हम सीख रहे थे चीजों को, वही वाला ये सिचुएशन है, वही वाला ये केस है, ये कंटेनर है आपके पास, ठीक है, और ये फ्लूइड आपका एट रेस्ट है, स्टैटिक कंडीशन है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, तो कोई टेंशन ही नहीं है। तो इसके अपर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, अंदर कहीं पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों होंगे, रिजल्टेंट मतलब जितने भी डेप्थ होगा, जैसे यहाँ पे एच है, अगर पूरे कंटेनर की डेप्थ आप ले रहे हो कैपिटल एच, तो उसी तरीके से आप निकाल रहे थे आराम से, कोई टेंशन नहीं थी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, आपने इसको रोटेट कराना स्टार्ट किया, आपने क्या किया, ये कंटेनर लिया, इतना वाहियात बनाया मैंने, इतना गंदा सा बनाया है जी, तो देखो ये मैंने इस तरीके से कंटेनर लिया और इसमें मैंने फ्लूइड भरा, लेकिन हुआ क्या, मैं इसको रोटेट करा रहा हूँ इस एक्सिस के अबाउट, ये एक्सिस है इसकी, एक्सिस ऑफ रोटेशन आप कह सकते हो, एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट करेगा, तो जैसे हम फ्लूइड को रोटेट कराते हैं वो बिल्कुल उसका शेप इस तरीके से हो जाता है कुछ ऐसा, तो वो ऐसा नहीं रह पाएगा फिर, ठीक है, ऐसे प्लेन टाइप का नहीं रह पाएगा, तो इस तरीके से कर्व टाइप का हो जाएगा, आप करके भी देख सकते हैं। तो इसमें लिक्विड है, इधर से ऊपर को चढ़ जाता है ये, और यहाँ से एक तरीके से नीचे को, और यहाँ से फिर ऊपर को चढ़ जाता है इस तरीके से, ये लिक्विड है, और नीचे वाला हाई प्रेशर की वजह से बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहता है, आप देख सकते हैं, है जी। तो प्रेशर का वेरिएशन कैसे हो रहा है बिल्कुल आप समझ सकते हैं आप क्लियरली। तो अगर मैं यहाँ पे कोई पॉइंट ए मान लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट बी मान लूँ, यहाँ पे कोई पॉइंट सी मान लूँ, ठीक है, तो देखो ए पॉइंट पे कोई भी प्रेशर की बात करेगा तो एटमॉस्फेरिक है, इस बी पॉइंट पे भी ऊपर एयर ही है तो एटमॉस्फेरिक है, सी पॉइंट पे बात करेगा तो एटमॉस्फेरिक है, लेकिन अगर इसके नीचे धीरे धीरे आप जाओगे, अब चूंकि इसका प्लेन सरफेस नहीं है, तो दो लिक्विड जब आप सेम लाइन पे लोगे तो प्रेशर कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है, किस तरीके से सर, देखो देखो अगर ये बी पॉइंट है, ये बी पॉइंट को देखो, ये बिल्कुल यहाँ पे है, और यहीं से ये कर्व्ड सरफेस इधर को शिफ्ट हो गया और ये कर्व्ड सरफेस इधर को शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं और यहाँ पे जो मैंने बी पॉइंट माना उस पर प्रेशर है, अगर बी पॉइंट पे प्रेशर देखो तो ऊपर केवल एयर है तो एटमोस्फेरिक है, लेकिन उसी सेम लाइन पे अगर कोई पॉइंट में यहाँ पे कंसिडर कर लो, देखो इसी सेम लाइन पे,
जबकि यहां पे देखो, अगर मैं यहां पे कोई पॉइंट में कंसीडर कर रहा हूं ए, तो यहां पे इसकी जो डेप्थ है व्हाटएवर, और इसी सेम लाइन पर एक पॉइंट कर लूं बी, इसकी डेप्थ भी एच ही है। देखो ये एच, तो दोनों पे प्रेशर सेम है क्योंकि इनका जो फ्री सरफेस है ये वाला बिल्कुल प्लेन है उसका नेचर, लेकिन यहां पे कर्व टाइप का बन गया है। तो ध्यान से देखो, तो अब बी पे जो प्रेशर एटमोस्फेरिक है, सी पे यहां पे मान लो बी डैश है, या कुछ और पॉइंट मान लो, उसको ए बी सी डी मान लो, डी पॉइंट है, डी पे प्रेशर चाहिए हमें, डी पे लेट्स से डी पे प्रेशर चाहिए, तो डी पे जो प्रेशर है वो बी के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इसके ऊपर भी देखो इतनी डेप्थ का, मान लिया ये डिस्टेंस वाई मान लो लिक्विड है, सपोज को यहाँ कोई लिक्विड पार्टिकल आई है कि नहीं है, तो बी पे प्रेशर अलग हो गया अब और डी पे अलग हो गया, जबकि दोनों सेम लाइन पे है, लेकिन यहाँ सेम लाइन सेम डेप्थ भी तो थी, डेप्थ सेम होगी तभी तो प्रेशर सेम होगा, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे केवल ऊपर से एयर प्रेशर अप्लाई कर रही है, इसके ऊपर लिक्विड नहीं है, लेकिन अब डी पॉइंट के अगर आप देखो ध्यान से, डी इस सेक्शन में डी, उसके ऊपर लिक्विड है इतने सेक्शन में, ये देखो यही हमें निकालना है कि डी पे प्रेशर कितना होगा, इस रोटेशन की वजह से ये चेंज हो गया, क्योंकि ये इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसके एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। तो इसको अब एक चीज तो आपको क्लियर हो गई है कि भाई बी पॉइंट पर डी पॉइंट पर प्रेशर सेम नहीं होगा, बी पे एटमोस्फेरिक है, लेकिन डी पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा। देखो अगर आप डी पॉइंट पर प्रेशर निकालना चाहते हो, तो पूरा सोल्यूशन नहीं करूंगा मैं, समझा दूंगा आपको, पूरा डिराइव नहीं करना, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें जाके हमें उसको हमने क्यों करना, आप कंसेप्ट समझे उसी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए कितनी डिस्टेंस ऊपर तक है, ये जो पॉइंट हमने यहां माना, अगर इसको बिल्कुल यहां मान लेंगे तो पूरी ये लेनी पड़ेगी, ठीक है, हमने ये मान लिया, तो ये डिस्टेंस हमने मान ली थी वाई, तो इसके ऊपर एयर है, तो यहां से लग रहा होगा एटमोस्फेरिक, वो तो लगेगा ही लगेगा, प्लस डी पे डी के ऊपर जो लिक्विड की जो आपने विड्थ ये डेप्थ मानी है दैट इज वाई, तो रो जी वाई, ठीक है, ये आप मान के चलेंगे बस, ठीक है। तो डी पॉइंट पे जो प्रेशर देखो एटमोस्फेरिक प्रेशर से वो प्लस दिस लिक्विड जो उसके ऊपर है वो, यानी डी पॉइंट पे जो प्रेशर आ रहा है वो बी पॉइंट से ज्यादा है, बिल्कुल क्लियर है, जब वो रोटेट करना स्टार्ट कर दे है, इतना तो सेंस लगा सकते हो। अब इसमें जो अननोन वैल्यू है ना, अननोन वैल्यू क्या है सर, इसमें वाई हमें नहीं पता भाई, ये जो इस ये जो एक्सिस है एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इस साइड में इतनी डिस्टेंस अवे, एक्स डिस्टेंस अवे, यहां से एक्स डिस्टेंस अवे, जो डी पॉइंट आपने माना है ये एक्स डिस्टेंस अवे है ना, और वाई डिस्टेंस यानी वाई डेप्थ तक यहां पे पानी की वजह से, ये y कितनी है हमें नहीं पता, अननोन है, हमें इसमें कुछ नॉन वैल्यूज के टर्म्स में इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ गए, सीधी सी बात है ना, नॉन वैल्यूज के टर्म्स में निकालना पड़ेगा, तो y क्या आएगा यहां से निकल के वो हमें निकालना पड़ेगा, और उसको हम पूरा जो इसमें एक प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का वो अप्लाई करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो वो y कितना आएगा निकल के वो डायरेक्ट आपको बता देता हूं, तो y यहां पे आएगा दोस्तों ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय 2g, ये y की वैल्यू होगी, याद रखनी हमेशा, ओमेगा इसका एंगुलर वेलोसिटी है, g आपको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, x आपकी डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट d जहां पे प्रेशर निकालना है, तो ये जो y है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स स्क्वायर के, यानी ये जो लिक्विड का एक तरीके से यहाँ पे ये जो शेप बन रही है मेनिस्कस टाइप का बन रहा है वो एक्स स्क्वायर, वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वायर है, तो पैराबोलिक बन रहा है, कभी कभी इसका नेचर पूछ लेता है, तो पैराबोलिक नेचर में ये आप बता के आएंगे कि ये पैराबोलिक टाइप का नेचर बनेगा यहाँ पे जब लिक्विड ऊपर को इस तरीके से जाएगा, ठीक है, उसकी वॉल्स पे है ना, जो कंटेनर होगा उसकी वॉल्स पे ऊपर को रोटेट करने की वजह से जाएगा, तो पैराबोलिक टाइप का नेचर वहां पे बनेगा। तो वाई की वैल्यू अगर आपने निकालनी है इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं आप, तो डी पॉइंट पे नेट प्रेशर आ जाएगा एटमोस्फेरिक प्लस रो जी इंटू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई टू जी, जी से जी कैंसिल, तो पी डी आपका आ गया पी ए प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाय टू, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देख लो ध्यान से है ना, उस डी पॉइंट पे जो एक्स डिस्टेंस अवे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वहां से है ना अगर आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से आप अपना प्रेशर इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं, सिंपल है, ये टू है बॉस, ठीक है, टू है ये वेरिएशन, आप देख लो प्रेशर पूछेगा, प्रेशर बता देना, अगर वाई की वैल्यू पूछेगा केवल वाई कैसे डिपेंड कर रहा है उसकी डिस्टेंस पे पॉइंट की जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, एक्स उसके कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्स की पावर टू पे डिपेंड कर रहा है, पैराबोलिक नेचर शो करेगा, ये आपसे पूछ सकता है, तो ये सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, ये रिजल्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, ये फॉर्मूले पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं इस ट्यूब की जो भी था ये इसकी रेडियस मान लू कुछ यहां से यहां तक कुछ आर, तो ये एक्स मैक्सिमम कितना हो सकता है, यहां से यहां तक डी पॉइंट ले सकते हैं, तो एक्स मैक्सिमम आर हो सकता है, तो अगर उसकी रेडियस दे रखी है आपको कंटेनर की, उसका जो भी क्रॉस सेक्शन होगा, ठीक है, वो तो यहां पे आप लिख सकते हैं वाई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय
2G, सिंपल है देखो। और अगर वो रेडियस दे रखी होगी तो उसके बिल्कुल यहां पे अगर वो पॉइंट शिफ्ट हो जाए यहां पे, और ये पूरी आपने लेनी पड़ेगी ये पूरी डिस्टेंस, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको x की वैल्यू पता है तो नो प्रॉब्लम, यहां से y आपको पता चल जाएगा सिंपली, उसको आप पुट अप कर सकते हैं और क्वेश्चन आप अपना सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द तरीका कि आप किस तरीके से हैंडल करेंगे इस पर्टिकुलर प्यारे से कंसेप्ट को दोस्तों। रिजल्ट पे आप फोकस करें, उसी के अकॉर्डिंग आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कंसेप्ट आपको आना चाहिए एटलीस्ट, है ना। अगर इसके डिपेंडेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं तो हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो ये थी छोटी सी हमारी वीडियो, ये छोटे से प्यारे से कॉन्सेप्ट जिनका एप्लीकेशन हमने करा है इसमें। उसके बाद जो नए कॉन्सेप्ट इसमें बचे हुए हैं दोस्तों, हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। आप प्रैक्टिस कर लेना, इनका यूज करना, और ढूंढना जाके कि पीवाई क्यूज में क्या इन पे डिपेंडेंट अभी तक क्वेश्चन आए हैं, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं जाके। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।